कि एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाए तो हम लोग दो साल सफ़र कर गए। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, रिलैक्सेशन के साथ दिए, एज रिलैक्सेशन के साथ दिया जाए, मौका दीजिए, हम बैठेंगे उसमें एग्ज़ाम में। और तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हम परमानेंट तो नहीं मांग रहे, हमको एज रिलैक्सेशन दीजिए, परमानेंट हमको अटेम्प्ट बढ़ाइए। UPSC में दो साल एज रिलैक्सेशन और दो अटेम्प्ट मिलना चाहिए, और दो चार ने बोला है कि आर्मी में दो साल एज रिलैक्सेशन और दो अटेंड मिलना चाहिए, क्योंकि आर्मी की भी भर्ती नहीं हुई है पिछले दो साल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना काल साल 2020 और 21 में जिन विद्यार्थियों को UPSC की परीक्षा, SSC की परीक्षा या तमाम सरकारी जो परीक्षाएँ होती है सरकारी नौकरियों की, उन परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों को तकलीफ हुई और जो परीक्षा नहीं दे पाए या किसी कारणवश परीक्षा छूट गई, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये अपनी कुछ मांगों को लेकर के हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और ये मूल रूप से कुछ विद्यार्थी बिहार के भी रहने वाले हैं, कुछ दूसरे स्टेट के भी रहने वाले, हरियाणा गुजरात के विद्यार्थी यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और कौन से मुद्दे को लेकर के इन लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? हम सर बिहार के रहने वाले हैं सर, पटना के रहने वाले हैं सर। मेरा नाम संजीव कुमार है सर, और हम लोग सर यहाँ बैठे हैं कि सर ये जो आप मुखर्जी नगर में रहते हैं? हाँ सर, यहीं पे आसपास रहते हैं, कॉलोनी में आसपास रहते हैं। UPSC की तैयारी आप? नहीं सर, SSC CGL की करते हैं सर। अच्छा, SSC CGL की। हाँ, क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पे आप लोग आंदोलन पे बैठे हुए हम सर बैठे हैं सर कि दो साल जो लगातार कोरोना रहा, कोविड रहा, उसके वजह से सारे छात्र, सारे फैमिली, पूरा इंडिया, पूरी दुनिया अफेक्टेड रही। और ये मतलब लोगों ने सही से पढ़ नहीं पाया, लोग कोरोना अफेक्टेड थे, लोग फियर में थे, लोगों की स्टडी सही से नहीं हो रही थी, लोग भाग के इधर माइग्रेट कर रहे थे, मतलब सारा सिस्टम अस्त व्यस्त, लोगों की जनरल जो रूटीन होती है, पढ़ाई लिखाई स्टडी हर एक चीज़ अस्त व्यस्त थी। हम ढंग से पढ़ नहीं पाए, नहीं पेपर ढंग से नहीं दे पाए, जो भी है हुआ। तो हम चाह रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार थोड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, मानवता के वो बेसिस पे हमें मतलब थोड़ी रिलीफ दे अटेम्प्ट में। सरकार का क्या कहना है, सरकार क्या कह रही है, आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है? सरकार अभी तक हमारी मांगे नहीं मांगी है, अभी तक नहीं मान रही है वो, मतलब तो फिलहाल हम और कोशिश कर रहे हैं और लोगों को, मतलब ये है जितना हमारा लेवल मास होगा उतनी हमारी मांग, उतनी आवाज़ हमारी बुलंद होगी, तभी जाकर सरकार मानेगी। आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन सरकार का कर रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर के बैठे हुए, ऐसे ये मुद्दा कोर्ट में भी गया हुआ है? हाँ, कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करते हैं। हाँ, कि हम लोग के प्रति एक सरकार को क्लियर डायरेक्शन दिया जाए कि हम लोग के जो वाजिब मांग है। हाँ, उस पर ध्यान दिया जाए। दो साल जो हम लोग के ख़राब हुए। हाँ, कोरोना के कारण मेरे खुद को कोरोना हो गया, परिवार लोगों को कोरोना हो गया, इतना परेशान हो गए मेडिकल ये इंतजाम करते हुए कि एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाए तो हम लोग दो साल सफ़र कर गए। उससे सरकार से मांग करते हैं कि दो साल हम लोग को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, रिलैक्सेशन के साथ दिया, एज रिलैक्सेशन के साथ दिया जाए। हम लोग नौकरी थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं कि अटेम्प्ट दिया जाए हम लोग को, एक मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने के लिए। परीक्षाएं बैठने का किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं UPSC का तैयारी करता हूँ। आप आए हैं इतना दूर से हम लोगों के मुद्दा उठाने के लिए, अभी तक तो कोई इतना बड़ा चैनल आया नहीं है। सबसे पहले तो चैनल को आना पड़ता है, मीडिया ही दिखाता है हर चीज़ को। तो आपको और आपके टीम को, मेरे जितने भी यहाँ पे कोर मेंबर्स है सबको मेरे तरफ से धन्यवाद, तथा आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार। हम लोगों का साफ सुथरा मांग है सर, साफ सुथरा मांग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग को जो कोरोना में जो कमी हुई, जैसे यहाँ से हम लोग माइग्रेंट किए, बिहार से हम लोग आए, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट BP मंडल का धरती है। ये चीज़ पता होना चाहिए केंद्र सरकार को, वो एक क्रांतिकारी भूमि है और बिहार भी एक क्रांतिकारी भूमि है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी एक छात्र नेता थे, उसने अपने आंदोलन को सफल कर दिया, तो हम लोग भी सरकार को चाहते हैं ये पीसफुल हम लोग तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम UPSC का तैयारी करते हैं और 3 साल से कर रहे हैं, तो सरकार से हम यही मुद्दे मांग रहे हैं। आपसे जॉब थोड़ी ना मांग रहे हैं, हमको एक बार दीजिए आप एज रिलैक्सेशन के साथ साथ। हाँ, हमको अटेम्प्ट दीजिए, मौका दीजिए, हम बैठेंगे उसमें एग्जाम में। और तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हम परमानेंट तो नहीं मांग रहे, हमको एज रिलैक्सेशन दीजिए, परमानेंट हमको अटेम्प्ट बढ़ाइए। अच्छा, क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए कोविड जब आया था तो कोविड में मतलब सब चीज़ें ही उथल पुथल चल रही थी, और इस बात को भली बातें गवर्नमेंट भी जान गई थी कि जब इतने केसेज आ रहे हैं, 4 लाख 5 लाख पर डे केसेज आ रहे हैं, तो ऐसे माहौल में पढ़ना बच्चों के लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी करवाया, और पोस्टपोन करवाने के बाद जब बच्चों ने एक अपील की कि जिनका इस बार लास्ट इम्तहान है उनको
उनके साथ जो है इक्वालिटी की जाए, उनको भी समानता का अधिकार है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रूरल क्षेत्र से आते हैं, बिहार का जैसे आपने नाम लिया, झारखंड है, उड़ीसा है, डिफरेंट स्टेट से आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये छात्र इतने गरीब परिवारों से है, ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि इनका डेली बेसिस पर काम चलता है, 10,000-15,000 उनके माँ बाप भेजते हैं और फिर वो यहाँ पर तैयारी करता है। तो कोचिंग्स बंद हो गई, सारे साधन बंद हो गए रिसोर्सेज के अभाव में, और वो खुद वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं या अपने माता पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ पाना बिल्कुल संभव नहीं था। क्या लग रहा है कि ये मांगें जो हैं आप लोगों की सरकार मानेगी, क्या उम्मीदें क्या है? उम्मीद है कि मानेगी, पूरी उम्मीद है, बाकी सब अगर साथ देंगे तो बिल्कुल मानेगी। जो आप लोगों की ये मौका जो आप लोग मांग रहे हैं सरकार से, क्या ये मौका जायज़ है? देखिए, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, 6 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी दे चुकी है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, अभी कुछ दिन पहले नागालैंड ने भी दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जम्मू कश्मीर ने भी दिया है 2 साल के SI की भर्ती में एज रिलैक्सेशन, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोला है, 4 ने चार ने बोला है कि UPSC में 2 साल एज रिलैक्सेशन और 2 अटेंड मिलना चाहिए, और 2-4 ने बोला है कि आर्मी में 2 साल एज रिलैक्सेशन और 2 अटेंड मिलना चाहिए, क्योंकि आर्मी की भी भर्ती नहीं हुई है पिछले 2 साल से। हर कोई बोल रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी दे चुका है। अब या तो स्टेट में दिया गया, सेंटर में नहीं दिया, अगर सेंटर में नहीं दिया गया तो मतलब सेंटर गलत करी है, या तो वो सही है, आप गलत है। आप भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सरकार से क्या आप मांग करेंगे और सरकार को क्या आप निवेदन करेंगे? हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि COVID-19 के दौरान सबको नुकसान हुआ, तो इस नुकसान की भरपाई सरकार ने कुछ व्यापारी वर्ग और जितने भी लोगों हैं उनको करी, विद्यार्थियों को क्यों नहीं कर रहे हैं? NET नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उनको दिया, लेकिन ये UPSC और जितनी भी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं दे रही? स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है, ये क्यों नहीं दे रही? परेशान छात्र है, उनको ज़्यादा परेशान क्यों कर रही है? यही हमारी मांग है, जब तक हमारी मांगे 2 साल और 2 अटेम्प्ट की नहीं पूरी होती तब तक हम हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। हमारा हेल्थ अभी धीरे धीरे लो हो रहा है, हम यहाँ तक बैठेंगे कि जब तक हम मर ना जाए या तो हमें अटेम्प्ट ना मिल जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का ये हंगर स्ट्राइक इसलिए भी है सर, देखिए जैसे जो भर्ती प्रक्रिया होती है 4-4 साल चलती है, जैसे मैंने RRB NTPC का पेपर दिया हुआ, तो 2018 में फॉर्म भरा था, अब हो गया 2022, अब मान लीजिए अगली बार आएगा तो वो मैं क्या कई होंगे हज़ारों जो भर ही नहीं पाएंगे फॉर्म, 4 साल तो हमारे इसी में चले गए, तो इसके लिए भी 2 साल का एजुकेशन जरूरी है, जरूरी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 3-3 साल 4-4 साल चलती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।